और अब बात भारत के माइक टाइसन की। वो मुक्केबाज 15 अक्टूबर को नीरज गोयत का WBC एशियन वेल्टर वेट का मुकाबला होगा, जिसमें वो अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे। नीरज का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के बेन काइट से होगा। नीरज साल 2013 से अब तक एक भी मुकाबला नहीं हारे हैं। वो अब तक 11 बाउट्स में हिस्सा ले चुके हैं। नीरज से बात की अंजलि सिंह ने। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेशनल बॉक्सर नीरज गोयत, जो कि 15 अक्टूबर को अपनी एशियन टाइटल को डिफेंड करने के लिए खेलेंगे। नीरज से जानते हैं कि आखिर तैयारियां उनकी कैसी हैं, लेकिन उससे पहले नीरज आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग इंडिया में लोग इतना जानते ही नहीं हैं और आप काफ़ी समय से इसको खेल रहे हैं, अनडिफीटेड रहे हैं, आपका क्या कहना है? इंडिया में इतना जो लोग इससे अभी तक इसके बारे में जान नहीं पाए, उस पर आप कहना? लोग इंडिया में प्रोफेशनल बॉक्सिंग को मेरे ख्याल से एक साल पहले कोई नहीं जानता था, एक दो साल पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और सभी स्पोर्ट्स में मेरे ख्याल से क्रिकेट के अलावा कोई इंडिया में किसी को जानता ही नहीं है। लेकिन मेरे को उम्मीद है कि जैसे क्रिकेट को अभी इंडिया में जान रहे हैं, वैसे प्रोफेशनल बॉक्सिंग को 3-4 साल में जानने लगेंगे लोग, क्योंकि प्रोफेशनल बॉक्सिंग से ओलंपिक क्वालिफाइज मिल रहे हैं और डायरेक्ट ओलंपिक क्वालिफाइज के लिए जा सकते हैं बिना मैचर कुछ खेले हुए, और इसमें नाम भी है और पैसा भी है। तो मेरे ख्याल से कि अभी इंडिया में इसको काफ़ी लोग लाइक कर रहे हैं आराम आराम से, और आप 15 तारीख को देखोगे भी कितने लोग इस फाइट को देखने के लिए आ रहे हैं।